आज जो ये सेवेंथ वाला है जो जिगम वीडियो जिगम प्रोडक्शन ने जो वीडियो म्यूजिक वीडियो रिलीज़ किया है, तो ये जो एक मेरा पहले भी हम लोग यहाँ चर्चा हुआ, मेरा दोस्त ही है, सिंगर भी मेरा दोस्त है, एक्टर भी मेरा दोस्त है, तो ये गाना बहुत बहुत अच्छा था, अच्छा लगा, इसलिए इसको हम लोग रीमेक करके, तो 1993 में ये गाना लिखा गया ताना बापू सर ने, तो इसको फिर रीमेक करके हम लोग इसको म्यूजिक वीडियो पे लाया ताकि बच्चे सब पब्लिक अच्छा लगे उसको। वही जैसे कह रहे कि इसका एक गाना को आपने रीमेक किया है, क्या पब्लिक को बता सकेंगे कि ये सी होकू का मीनिंग क्या है? हाँ, उस पर हमने सब टाइटल दिया है, उस पर सारा उस पर वर्ड टू वर्ड सब टाइटल दिया है। सी होपू के मीन्स ये मेरा दिल है, तो सी हारांग ए हारांग मीन्स वो मेरा सोल। एक यहाँ पे हो गया एक जैसे जो राइटर का एज फॉर एग्जांपल राइटर का जो इमेजिन है, एक उसका सोल है, एक उसका हार्ट है, तो उस पर हाँ इसको हमने इसलिए चुना कि एज ए आर्टिस्ट मे बी एज ए आर्टिस्ट हम इसको अच्छा लगता है, जैसे कि इस पर म्यूजिक वीडियो बनाता है, एल्बम बनाता है, कोई मार्केट पे उस पर कोई भी कोई प्रॉफिट है ही नहीं। और आजकल तो ये मार्केट आजकल का ज़माना में तो मार्केट और भी, पहले तो कैसेट बिकता था, अभी तो कैसेट भी नहीं बिक्री कर सकता, फिर भी हम एज ए आर्टिस्ट मेरा एक पैशन है इस पर ना, हमको इंटरेस्ट होता है कि हाँ उस पर हम प्रॉफिट पे नहीं देखा, तो हमने वो सिर्फ सोचा कि हाँ हमको जो अच्छा लगता है आर्टिस्ट पे, जैसे कि सिंगिंग पे हमको अच्छा लगता है, तो उस पर हमने किया। और हम जिगम प्रोडक्शन स्पेशली इसलिए भी हम लोग क्रिएट किया था कि यहाँ अरुणाचल में छोटा छोटा जो जूनियर आर्टिस्ट लोग बहुत सारा है, तो उन लोग को प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलता, तो हम उन लोग का पास बहुत टैलेंट है, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो हमने सोचा ये जिगम प्रोडक्शन पे अगर उन लोग को प्लेटफॉर्म भी देता, अगर हम मतलब नुकसान तो है, फिर भी उनके लिए, वो बच्चों लोग के लिए अगर वो लाइफ में अगर अच्छा होता है, प्लेटफॉर्म मिलता है, तो हम देना चाहोगे, वो एक मेरा जिगम प्रोडक्शन का एम है। वो मैम आप बता सकते हैं कि आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या कुछ है ऐसे कुछ? हाँ, नेक्स्ट प्रोजेक्ट अभी हम लोग ने
सोचा जैसे ये नया आ रहा है और एक नीलम पॉप का और मेरा वो भी सी है जी गई है तो वो एक रोमांटिक सॉन्ग आएगा। तो उसके बाद फ्यूचर का अभी हाँ प्लानिंग तो वो कर रहा है, एक अच्छा अगर कंटेंट मिलता है तो एक फिल्म बनाने के लिए ऐसे अभी ऐसे बात तो कर रहा है तो वो समय लगेंगे तो उसको एग्जैक्टली नहीं बोल सकता है कि हाँ बनाएगा कि नहीं बनाएगा, लेकिन बनाएंगे। इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी पर्सनली। इट वॉज ऑन द अदर साइड इट वॉज बिग चैलेंजेस बिकॉज वी वेंट टू दैट जीरो एंड तलो फॉर शूटिंग। सो काफ़ी तकलीफ रहा है जर्नी में, एंड देन वहाँ शूटिंग करने के दौरान मेरा थोड़ा हेल्थ भी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, बट देन शूटिंग हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया एंड जैसे आप लोगों ने देखा। तो जिगम प्रोडक्शन के साथ मेरा ये दूसरा म्यूजिक वीडियो एल्बम है और मुझे ये इन प्रोडक्शन के साथ काम करके काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये मेरी खुश नसीब है कि मैं ऐसे प्रोडक्शन के साथ काम कर रहा हूँ, और जो मेरे पहली म्यूजिक वीडियो एल्बम बने थे धोनी नक जिनम, जिनको म्यूजिक बेस्ट म्यूजिक वीडियो अवार्ड मिला गया था आपका ये निसी आर्ट एंड कल्चर वेबसाइट उनके द्वारा जो आयोजित किया गया, एंड देन दिस इज सेकेंड टाइम सी होपो के, और बहुत ही अच्छा रोमांटिक सॉन्ग है, बहुत ही हर्ट टचिंग सॉन्ग है, जो आप इसके बोली को जब आप समझेंगे तो बहुत ही आपके मन को चुएंगे, और स्टोरी भी काफ़ी अच्छा है, और पर्सनली मेरे लिए यह बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि फास्ट और प्रेजेंट को आप दिखाना होता है तो बहुत टफ था, बट देन आई एंजॉय इट। ओके मेरी एक फिल्म बनी है एक्चुअली, वो आप लोगों को भी पता होगा, मई 23 को हम लोग रिलीज़ करने के प्लान कर रहे थे निर्णय, ऑफिशियली हम लोग रिलीज़ करने के प्लान कर रहे थे लेकिन ये कोविड की वजह से हम लोग रिलीज़ नहीं कर पाए। सो हम लोग कोशिश कर रहे हैं प्रोडक्शन टीम वाले इसको जैसे ही ये माहौल थोड़ा सा थिएटर जब ओपन करेंगे तो हम लोग इसको लॉन्च करने के लिए रिलीज़ ऑफिशियली रिलीज़ करने के लिए, एंड देन कई सारे म्यूज़िक वीडियो एल्बम भी प्रोडक्शन की तरफ से अभी ऑफर आ रहे हैं तो मैं देख रहा हूँ कि किस में मैं काम करना चाहूँगा। सो अभी मैं नहीं बोल सकता हूँ कि कौन सा, काफ़ी सारा है मैं देख रहा हूँ, और म्यूज़िक आई मीन वो जो स्क्रिप्ट मूवी को लेके भी कई प्रोडक्शन हाउस वो लोग डिस्कस कर रहे हैं तो देखते हैं स्क्रिप्ट, इफ आई लाइक इट देन डेफिनेटली आई विल डू। मैं आप सबको सच्ची बात मन से बताऊंगा, हमारे जो आर्टिस्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं वो स्ट्रगल तो कर रहे हैं अभी, लेकिन स्ट्रगल होने पर भी कोई तो शुरुआत करना होगा, है कि नहीं। आज हम संघर्ष कर रहे हैं, आज हम लोग तकलीफ कर रहे हैं, वी होप विद द होप दैट कि समडे डेफिनेटली आवर इंडस्ट्री वुड बी चेंज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड बाय द लव एंड सपोर्ट फ्रॉम आवर पीपल। एंड देन मैं हमारे जनता से यही कहना चाहूँगा कि हम लोग आर्टिस्ट काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपने शूटिंग के दौरान ऐसे कई मतलब मुसीबत का भी सामना करना पड़ता है, बट देन वी आर डूइंग दिस फॉर आवर पीपल ओनली, कि हम इंटरटेनमेंट के चलते कुछ करने के लिए, तो हमें हमारा जनता और आप सब जो मीडिया वाले हैं उन लोगों का हमें सहयोग और सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपके बिना हम लोग कुछ नहीं है, तो हम सबको मिलकर काम करना होगा इस अरुणाचल के जो फिल्म इंडस्ट्री को आगे लेके जाने में। बींग ए आर्टिस्ट मैं पर्सनली मुझे स्टोरी जो है एक सामाजिक मतलब समाज में एक अच्छा मैसेज जाए जिससे लोग सीखे कुछ, तो मैं वही देखना चाहूँगा, वही मैं देखता हूँ।